हेलो हेलो। हमने बहुत मिस किया, हमारा भी बहुत टाइम बाद इंटरव्यू हुआ है। हाँ, बहुत टाइम बाद। एक्चुअली वो 1 घंटे के एपिसोड में आई थिंक वी आर रियली बिजी, बट इंटरव्यू हो या ना हो, हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स में थोड़े से ज़्यादा क्या होंगे, क्या कहते हैं इसे, एक्टिव। क्यों ऐसे हो गया, आप लोग डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हो? मतलब हाँ, एवरीथिंग हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स, एंड इट्स नॉट इवन अ डाउन, इट्स जस्ट अ डिफरेंट पैच ऑफ अ स्टोरी दैट्स हैपनिंग। एंड अभी हर चीज़ हो सकता है कि जो आपको पसंद नहीं, जो स्पेसिफिक कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही, वही चीज़ दूसरे लोगों को पसंद आ रही हो, सो यू नेवर नो। और अगर मतलब ऑब्वियसली हम लोग तो राइट नहीं करते और हम लोग सिर्फ एक्ट करते, सो मे बी वो भी कुछ सोच समझ के लिख रहे होंगे। और अब ऐसा शो उन्होंने लिखा है जो आप लोगों को इतना पसंद आया, जिसके लिए सेक्स हमें बोलती है दैट फैंस आर क्रेजी। सो हैव फेथ ऑन राइटर्स, एंड आई एम श्योर जिन लोगों को पसंद अभी नहीं आ रहा है ये वाला ट्रैक, आई एम श्योर धीरे धीरे कोई और ये वाला ट्रैक नहीं बोला उसने बोला स्क्रिप्ट का एग्जिट और तो ये ट्रैक ही हुआ ना, ये वाला पार्ट, वो ट्रैक खत्म हो चुका है। हैव फेथ एंड यू विल लाइक इट। या हम भी मिस कर रहे हैं क्रिप को बहुत, हम क्रिप को मिस कर रहे हैं, चिराग को मिस कर रहे हैं, चिराग होमरिंग को मिस कर रहे हैं, बिकॉज वी स्टार्टेड ऑफ एज अ फैमिली ना, तो फिर एक मेंबर भी कम होता था तो हमें लगता था अरे यार, बट हम टच में हैं एक दूसरे के साथ, समझ में। या बट एज अ से लाइफ नथिंग इज परमानेंट यार। परसों हर्षिता भी जा रही है बीच में, ये भी जा रहा है बीच में छोड़ के, तो फिर देखो मैं नहीं जा रहा, तुम जा रही है, तुम्हें इसे भी अभी मारवा रहे कुछ ऐसा है मैंने सुना, कुछ है ना तेरा, शट अप, इसको प्लेग हो जाएगा कोई चूहे के साथ, कुछ तो है तेरा सीन। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको सिर्फ डरा रहा है। अरे नहीं मैं बता रहा हूँ सच में, इसके बाद मेरे लिए एक नई लड़की आएगी शो में।